कैसे हैं बच्चों आप लोग। पिछली क्लास में मैंने बताया था डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में, जिसमें कि कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन के डिसएडवांटेज के बारे में मैंने बताया था और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ एडवांटेजेस के बारे में मैंने बात की थी। अब आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, जिसमें थोड़ा सा मैंने कल बताया भी था कि मान लिया जाए कि एक यंग पर्सन है और एक ओल्ड पर्सन है और दोनों वर्क कर रहे हैं, एक सेम पीस ऑफ वर्क कर रहे हैं। तो उन दोनों में जो यंग पर्सन है उसने 1 घंटे में वही कार्य किया और जो ओल्ड पर्सन है तो वो उसने 2 घंटे में उसी कार्य को किया। तो बच्चों हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि नहीं कि कम टाइम में कौन ज़्यादा वर्क कर रहा है, यंग पर्सन, और ज़्यादा समय में कौन वर्क कर रहा है उसी वर्क को, वही ओल्ड पर्सन। तो हम लोग सिंपल बात कह सकते हैं कि रेट एट विच वर्क इज डन, वो रेट टाइम के रिस्पेक्ट में वर्क जितना हुआ उसी को तो हम लोग बच्चों पावर कहेंगे। हम लोगों ने किस बेसिस पे कहा कि यंग पर्सन में ज़्यादा पावर है एक ओल्ड पर्सन के कंपैरिजन में, तो हम लोगों ने इसी बेसिस पे कहा कि जो कम समय में ज़्यादा वर्क कर पा रहा है उसमें ज़्यादा पावर है ओल्ड पर्सन के कंपैरिजन में। तो बच्चों इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। पावर इज इक्वल टू हम लोग और क्या लिख सकते हैं बच्चों, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। इसको फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, पावर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन को डब्ल्यू से और टाइम को टी से, तो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। पावर का यूनिट जो होता है बच्चों वो होता है वाट, और इसको रिप्रेजेंट हम लोग डब्ल्यू से करते हैं। अगर इसके यूनिट की बात करें, मान लिया जाए कि 1 वाट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 वाट इक्वल होगा किसके, अगर 1 जूल वर्क हुआ 1 सेकंड में तब वो इक्वल हो जाएगा किसके बच्चों, वाट के। तो वाट इक्वल टू हम लोग इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं कि जूल पर सेकंड, ये वाट का यूनिट हो जाएगा। बच्चों ये तो छोटी सी यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर का, लेकिन जो बड़ी बड़ी यूनिट होती हैं उसको किलो वाट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ज़रा देखें इसको, इलेक्ट्रिकल पावर का जो बिगर यूनिट होता है वो किलो वाट होता है। 1 किलो वाट किसके बराबर होगा बच्चों, 1000 वाट के, और 1 किलो वाट को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 kW इज इक्वल टू 1000 W। ठीक है, एक और पॉइंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा ध्यान से समझिएगा कि व्हेन वर्क इज डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड, जितना वर्क होता है बच्चों उतना ही तो एनर्जी कंज्यूम होगा। मैंने पिछली क्लास में क्लास 9 में आप लोगों को बताया भी था कि जितना वर्क होता है उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। तो इससे हम लोग ये बात भी कह सकते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, वो रेट जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, मीन्स दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंजम्पशन को ही हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर भी कहते हैं। अब बात करें बच्चों कुछ इसके और फार्मूले की, इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूले भी हमारे पास कुछ अलग अलग होते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यहाँ पे फार्मूला जो है बच्चों वो P इज इक्वल टू W बाई टी, हमेशा तुम्हें पावर निकालने के लिए वर्क डन और टाइम ही नहीं दिया रहेगा, कुछ और भी क्वांटिटीज दी गई रहेंगी जिससे कि तुम्हें पावर निकालना होगा। तो उन फार्मूले की हम लोग बात करें, देखिए बच्चों पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, P इज इक्वल टू W बाई टी। और इसको देखिए बच्चों यहाँ पर, क्योंकि पहले आपने वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस का, क्या होता था कि V इज इक्वल टू W बाई टी, और Q का एक फॉर्मूला होता है आपने वहाँ से पढ़ा था, पहले ही पढ़ा है वो, Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, होता है कि नहीं होता है। करंट क्या होता है, चार्ज जो पास करता है एक यूनिट टाइम में, तो I इक्वल टू Q बाई टी आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो इसी से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो इसी वैल्यू को पुट कर देंगे किसमें, यहाँ पे, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, W इक्वल टू V की जगह पे हमने V रखा है और Q की जगह पे I इंटू टी रखा है, तो क्या आ गया बच्चों, W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी। तो W इज इक्वल टू V I T आया है, तो पावर के फॉर्मूले में अगर इसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू V I T अपॉन में T, तो T से T कैंसिल और पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V इंटू I।
क्लियर हो रही है बात, आगे चलते हैं। और इसके अगर यूनिट की बात कर ले बच्चों तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं पावर, इसको क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसको क्या कहते हैं करंट। तो पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। अगर इनके यूनिट की बात कर लें तो पावर का यूनिट होता है वाट, अगर वन वाट की बात करें तो क्या होगा, वन वाट पावर कितना हो जाएगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के क्रॉस में वन वोल्ट रहे और उसमें करंट वन एम्पियर का फ्लो होता रहे, तो वाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, वी इंटू ए। वी क्या है वोल्टेज और ए क्या है करंट, करंट का यूनिट है। तो डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू ए, ये हो जाएगा इसका यूनिट इन टर्म्स ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करें बच्चों कुछ और भी फॉर्मूले हैं, जैसे कि आई और आर के टर्म्स में, यहाँ बच्चों किस टर्म में था, वी एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के टर्म्स में था। जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया रहेगा तब आप वो पावर निकाल सकते हैं। अब आपको अगर करंट और रेजिस्टेंस दिया रहे तब आप लोग पावर निकाल सकते हैं। कैसे, आप लोग जानते हैं क्या कि P इज इक्वल टू वी इंटू आई, और V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, V इक्वल टू आई आर पढ़ा है ना ओम्स लॉ, तो V इक्वल टू आई इंटू आर। V इक्वल टू इस आई आर को पुट कर देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बच्चों, P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, आई आई मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई स्क्वायर आर। तो P का एक फॉर्मूला आ गया करेंट और रजिस्टेंस के केस में, जब टी टाइम के लिए जब करेंट फ्लो कराया जा रहा है किसी कंडक्टर में तो बच्चों उस समय पावर कितना हो जाएगा टी टाइम के लिए, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी। क्लियर हो रही है बात। तो ये बच्चों हो गया क्या, करंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में पावर का फॉर्मूला। एक और है बच्चों फॉर्मूला जो कि V एंड R के टर्म्स में है, वही फॉर्मूले पे पुट करेंगे हम लोग। P इक्वल टू वी इंटू आई जानते हैं आप लोग, P इक्वल टू V और V इक्वल टू आई आर होता है ना, होता है कि नहीं होता, तो I की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, V अपॉन में R। तो वही वाली वैल्यू पुट किया गया है यहाँ पे कि P इक्वल टू V इंटू वी अपॉन में R, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, V स्क्वायर अपॉन में R। तो ये है फॉर्मूला पावर का इन टर्म्स ऑफ V एंड R। अब बात करें इलेक्ट्रिकल पावर रेटिंग की, कि अगर इलेक्ट्रिकल पावर रेटिंग से आप लोग क्या समझते हैं, मान लिया जाए कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब आपने लिया जो टंगस्टन फिलामेंट वाला होता है और उस पर लिखा होता है 220 वोल्ट, ऐसे लिखा होता है ना, 220 वोल्ट 100 वाट ऐसे लिखा होता है ना, बोलिए ऐसे लिखा होता है कि नहीं होता, ऐसा लिखा होता है। तो आप लोग कहते हैं कि 100 वाट का बल्ब हम लाए हैं, तो 100 वाट के बल्ब से क्या मतलब है, उसका सेंस क्या निकलता है। देखिए, ए पावर रेटिंग ऑफ 100 वाट्स ऑन द बल्ब मीन्स दैट इट विल कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 100 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब ये है बच्चों, वोल्टेज तो 220 वोल्ट आपके घरों में आता है उससे मतलब नहीं है, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे जो पावर रेटिंग होती है वो ये बताती है कि वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इतनी पावर वन सेकेंड में कंज्यूम करेगा। तो इलेक्ट्रिकल पावर रेटिंग का सेंस सिर्फ और सिर्फ यही होता है। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग जरा देखते हैं, इस न्यूमेरिकल को जरा चेक करते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें। व्हाट विल बी करेंट ड्रॉन, कितना करेंट वो कंज्यूम करेगा बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट जिस पर रेटिंग है 40 वाट व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। बच्चों यहाँ पे वी की वैल्यू दी गई है 220 वोल्ट, पावर दी गई है 40 वाट, तो करंट तुम्हें निकालना है। तो जानते हो फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, तो P की जगह पे 40 वाट, V की जगह पे 220 वोल्ट और I की जगह पे कुछ नहीं, जीरो से जीरो कैंसिल, क्या आ जाएगा बच्चों, 2/11 आ जाएगा और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 0.17 एम्पियर के। तो बच्चों इतना करंट ड्रॉ करेगा कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब जिसके रेटिंग कितनी है 40 वाट और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट। तो बच्चों आप लोगों का होमवर्क भी आज करना होगा आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप लोग न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे तो आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो आप लोग घर पे आज कम से कम 10 या 15 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, चाहे आपके पास इस चंद की किताब हो या फिर एनसीईआरटी की किताब हो, इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ के एक दो बार पढ़ के और फिर उसके बाद से सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन आप लोग करिएगा तभी एक टॉपिक क्लियर हो पाएगा अच्छे से। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही।